कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया था। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में सर बोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया। साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनाने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी कि तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, इसी वजह से ये काम शुरू नहीं हुआ। जिसके बाद युद्ध बीता और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम पैसे का टेंडर भरा था, लेकिन जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंध काफी तनाव भरे होने के कारण जर्मनी की कंपनी को इस पुल बनाने का ठेका नहीं मिला। उसके बाद ये काम ब्रेट व्हिटबर्न और जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने के लिए उस समय 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त इतना बड़ा स्टील इकट्ठा करना एक बड़ा टास्क था, लेकिन पुल का निर्माण बहुत जरूरी था, इसलिए देश की बड़ी स्टील कंपनी बनाने वाली इकलौती कंपनी टाटा कंपनी सामने आई और उसने स्टील को देने की बात की। इस कारण डिमांड में से 23,500 स्टील की सप्लाई टाटा ने की। अगर इस नजरिए से देखें तो कहा जा सकता है कि ये पुल टाटा का है। स्टील मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, क्योंकि यहां अंग्रेजों ने एक शर्त रखी थी कि ब्रिज चाहे कैसे भी बने लेकिन ब्रिज के नीचे कोई भी पोल नहीं होना चाहिए, यानी कि खंभा नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट्स को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हावड़ा ब्रिज के जब डिजाइन तैयार किया गया तो उसमें केवल 4 खंभे की ही बात हुई, जो दोनों सिरों पर दो दो खंभे लगने थे, जिसका मतलब है कि पुल के बीच में कोई भी खंभा नहीं है, ना ही पुल को तारों से लटकाया गया है। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों तरफ के 4 खंभों पर ही टिका हुआ है। ब्रिज की ऊंचाई 280 फीट है और दोनों तरफ के किनारों के खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो नदी के बीच में कहीं भी सपोर्ट करने के लिए पुल को कोई भी खंभा नहीं है और ये अपने आप में एक अजूबा है, और यही बिना खंभों का पुल करीब एक सदी से खड़ा है। इसके साथ ही हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेट को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु से बनी हुई कीले यानी कि रिवर्स का इस्तेमाल किया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन पुल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन पर कोई भी धूमधाम नहीं होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविन्द्र सेतु रख दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि आज इस ब्रिज से रोजाना लगभग 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। लेकिन अगर शुरुआत के समय की बात की जाए तो ब्रिज बनने के बाद इस पर सबसे पहली बार एक ट्रैम को गुजारा था, लेकिन बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से ब्रिज पर से ट्रैम को गुजरने के लिए बैन लगा दिया गया। एक और रोचक बात इस ब्रिज के साथ जुड़ी हुई है। दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि इस हावड़ा ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर्स के अनुसार अगर ये ब्रिज कभी गिरता है तो 12 बजे गिरेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे, इसलिए दिन और रात दोनों टाइम के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते, फिर भी इस पुल को दिन में 2 बार बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और बात जो इस ब्रिज के बारे में कही जाती है वो ये है कि हावड़ा ब्रिज की कोई एक ऐसी चाबी है जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को अभी तक नहीं दिया है। अब ये चाबी क्या है इसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में इसी चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के लिए आने जाने के लिए खोल दिया जाता था, यानी कि अगर इसे ब्रिज गेट कहें तो गलत नहीं होगा, पर इस बात की भी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अगर आजकल के हालात की बात करें तो इंजीनियर्स का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों पे अब जंग लगने लगा है और इस जंग की वजह है पान। इस पुल पे रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका हुआ है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले 3 साल में आधी रह गई है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ पान चबाने और थूकने की वजह से इतना बड़ा पुल अपने आप को खो रहा है। इसके अलावा 2005 में नदी से गुजरते हुए एक कार्गो शिप इस पुल के नीचे अटक गया था, जिसके कारण भी इस पुल को काफी हद तक नुकसान हुआ। पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट भी काफी परेशान है, क्योंकि इसमें ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है, इसलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देती है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है। इसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2006 की शुरुआत में इसकी मुरम्मत करवाई थी जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी और इस पूरी प्रक्रिया में 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा भी ये ब्रिज भारत के इतिहास और खास तौर पर कोलकाता के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहा है, इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी धरोहर को बचाकर रखें। बाकी आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में और क्या क्या जानकारी है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।